वेलकम टू आवर ऑनलाइन इंग्लिश क्लास. ओपन योर बुक्स. ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 1, पेज नंबर 76, यूनिट नंबर 9, लेसन नंबर 1. द नॉटी मंकी. द नॉटी मंकी. नॉटी मीन्स शरारती. मंकी बंदर को कहते हैं, आपको पता है, शरारती बंदर. अब यहाँ पे जो मेन टाइटल है ये शरारती बंदर है, तो आपको पता चल रहा है कि हम इसी के बारे में सारी स्टोरी में बात करेंगे. तो आपको पता है मंकीज जो होते हैं वो वैसे भी नॉटी होते हैं, तो इसके लिए इन्होंने ये स्टोरी राइट की हुई है. अभी हम इसको रीड करते हैं और उसके बाद हम इंशाल्लाह इसकी एक्सरसाइज भी करेंगे. वर्ड्स टू नो. डेंजरस. अ पर्सन और थिंग दैट कैन ब्रिंग हार्म टू यू. एक ऐसा शख्स या कोई ऐसी चीज़ जो आपको नुकसान पहुँचा सकती हो, यानी कि ख़तरनाक. ह्यूज बहुत बड़ा. वेरी बिग. नॉटी शरारती. समवन हु डजंट Do what they are asked to. कोई ऐसा शख्स यानी कि उसे जो कहा जाता है वो नहीं करता, वो शरारती होता है, नॉटी होता है. सा आर आरी. A metal tool for cutting wood. लकड़ी काटने के लिए एक दहात का टूल होता है, औजार होता है. श्रीक चीखना या चीख. To make a loud high cry. यानी कि बहुत बड़ा चिल्लाना, बहुत ऊंची आवाज़ में चीख लगाना. वेज. A piece of wood that is thick at once. ये लकड़ी का एक टुकड़ा जो कि एक साइड से मोटा होता है, एट वन एंड एक किनारे से मोटा होता है, एंड बिकम थिनर टुवर्ड्स द अदर एंड, और दूसरे किनारे से वो स्मार्ट हो जाता है, यानी कि पतला हो जाता है. तकून नुमा यानी कि तकूनी शक्ल का. अब हमने वर्ड्स मीनिंग्स को अंडरस्टैंड कर लिया, अब हम आगे चलते हैं और हम इसकी ट्रांसलेशन करते हैं. वन डे टू मैन वर वर्किंग इन द फॉरेस्ट. एक दिन दो आदमी जंगल में काम कर रहे थे. वर्किंग काम कर रहे थे. They were cutting a huge log. वो एक बहुत बड़ा लकड़ी का टुकड़ा काट रहे थे. Log होता है लकड़ी का टुकड़ा. Cutting काट रहे थे. They were using a long saw. वो एक बहुत लंबी आरी इस्तेमाल कर रहे थे. Long बहुत लंबी. Saw आरी. Swish 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 swish. ये आवाज़ें आ रही हैं जो वो आरी यूज़ कर रहे हैं और इधर उधर इसकी मूवमेंट कर रहे हैं. ये देखिए, इधर से ये खींच रहे हैं, इधर से वो खींच रहे हैं और इसको लकड़ी के टुकड़े को वो काटने की कोशिश कर रहे हैं. They pulled and they pushed. वो अपनी तरफ खींचते हैं और वो दबाते हैं. यानी कि जब ये वाला पर्सन जो है ये इधर आरी को खींचता है तो वो अपनी तरफ पुल करता है, और जब वो उसकी तरफ जाने देता है ये आरी ये सा, तो वो पुश होता है. ठीक है, पुश होता है अपने से खुद से दूर दूसरी तरफ धकेलना, और पुल होता है अपनी तरफ खींचना. ठीक है, पुल होता है अपनी तरफ खींचना और पुश्ड होता है दूसरी तरफ धकेलना, खुद से अपने से अपोजिट साइड पे धकेलना. दे पुश्ड एंड दे पुल्ड. वो खींचते हैं और धकेलते हैं. दे मेड अ डीप कट इन द वुड. उन्होंने लकड़ी में एक बहुत बड़ा कट लगाया. इट वॉज हार्ड वर्क. ये बहुत मेहनत का काम था. द मैन वर टायर्ड. आदमी थक गए थे. दे स्टॉप्ड टू रेस्ट. वो आराम करने के लिए रुक गए. दे पुट डाउन देयर सा. उन्होंने अपनी आरी रख दी. इन द कट दे पुट अ वेज. उस कट में जहाँ पे उन्होंने वेज बनाया था, यानी कि जहाँ पे उन्होंने तकूनी शक्ल का एक शक्ल दी थी उसको. द टू मैन सेट टू ईट. दोनों आदमी खाने के लिए बैठ गए. अ लिटल लेटर. कुछ ही देर बाद दे वेंट टू स्लीप. वो सो गए. सून जल्द ही. सम मंकीज केम देयर. कुछ बंदर वहाँ आए. दे लुक्ड एट द मैन. उन्होंने आदमियों की तरफ देखा. वन बेबी मंकी वॉज वेरी नॉटी. एक बेबी बंदर यानी कि छोटा बंदर जो है, बंदर का बच्चा, वो बहुत शरारती था. ही रेन टू द लॉग. वो लकड़ी की तरफ दौड़ा, यानी कि लकड़ी के टुकड़े की तरफ दौड़ा. ही जंप्ड एंड डांस्ड ऑन टॉप ऑफ इट. वो इसके ऊपर उछलना कूदना और नाचना शुरू हो गया इसके बिल्कुल ऊपर. जैसे ये देखें पिक में आपको दिखाया गया इस इमेज में. हिज मदर शाउटेड गेट डाउन नाउ. इट्स डेंजरस. उसकी माँ चिल्लाई, नीचे आ जाओ. इट्स डेंजरस. ये खतरनाक है. द नॉटी मंकी डिड नॉट लिसन. शरारती बंदर ने नहीं सुना. ही डांस्ड एंड ही सैंग. वो नाच रहा था और वो गा रहा था. ही सैंग एंड ही डांस्ड. वो गा रहा था और वो नाच रहा था. ची ची भी. जस्ट लुक एट मी. आई एम अ क्लेवर मंकी. वो ये गुनगुना रहा था. ची ची वी. मैं मेरी तरफ देखो, मैं एक होशियार बंदर हूँ. द नॉटी मंकी सा द वेज. शरारती बंदर ने
वेज देखा यानी कि वो तकून नुमा जो उन्होंने बनाया था हम वो देखा। ही पुल्ड इट उसने उसे खींचा। द वेज केम आउट जो वेज था जो तकुनी शक्ल का हम नुमा था बाहर आ गया। देर वॉज अ लाउड स्नैप बहुत ऊंची यानी कि चीख की आवाज़ आई। द मंकी स्टिल वॉज कॉट बंदर की जो दुम है वो पकड़ी गई थी यानी कि वो उसमें फंस गई थी जैसे कि ये इस पिक में आपको यहाँ पे दिखाया गया। ये देखें वो जो उन्होंने उसमें रखा हुआ था तो कौन नमा वो निकल गया और उसके बाद इसकी जो टेल है वो इसमें फंस गई थी। वो श्रीक्ड द लिटिल मंकी द मैन वॉक अप यानी कि छोटे बंदर ने शोर मचाना शुरू कर दिया चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और जो आदमी थे वो जाग गए। वॉक अप होता है जाग जाना थर्ड फॉर्म है और वो जाग गए सॉरी सेकंड फॉर्म है वेक की डब्ल्यू ए के ई वेक और ये उसकी सेकंड फॉर्म है द मैन वॉक अप आदमी जाग गए। यहाँ पे हमारी जो है वो ट्रांसलेशन एंड वर्ड्स मीनिंग्स कंप्लीट होते हैं। हम आपने इसको अच्छी तरह से लर्न करना है और उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में इसकी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करेंगे। टेक केयर बाय बाय।